अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अता इंफॉर्मेशन टीवी। दोस्तों आज एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो। दोस्तों आज का वीडियो हमारा जाने वाला है। दोस्तों पाकिस्तान की बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान यूट्यूब बंद करने का वार्निंग दिया है, जो कि इंतहाई एक बहुत बुरी खबर है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस काजी अमीन ने एक केस की समाअत की। मोहम्मद शौकत नामी शख्स है जो कि फिरकावारियत की मवाद फैलाने में मुलव्वस था, तो इसकी जमानत के बारे में आज केस की समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से समाअत करने वाला चीफ जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि क्या पीटीए और एफआईए देख रहे हैं कि यूट्यूब के ऊपर कौन सी मवाद शेयर की जा रही। हमने कल फैसला सुनाया है तो आज वह यूट्यूब के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है और इसमें हमारी ज़िंदगी के ऊपर बातें की जा रही है। हम आवाम की पैसों से तनख्वाह लेते हैं और आवाम को चाहिए कि वो इसको डिस्कस हमारे फैसलों के बारे में डिस्कस करें, लेकिन किसी को भी ये इजाज़त नहीं है कि वो किसी भी इंसान की नीचे ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू करे। बल्कि चीफ जस्टिस काजी अमीन के ये भी कहना था कि कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर मामू बन के चाचू बन के बैठ जाते हैं। और इसके साथ साथ काजी अमीन साहब ने ये भी कहा, पाकिस्तान में यूट्यूब के ऊपर फिरकावारियत और ऊपर वीडियोस अपलोड कर रही है। मज़ीद तफसील जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।